Yes, good morning everyone. So today we are going to start with our very simple grammar topic, that is lesson 11. It is number. अब बेटा नंबर आपने मैथ्स में भी किया, नंबर होता क्या है? नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 100,000 मिलियन बिलियन, इट इज नंबर. ओके, बट इन इंग्लिश ग्रामर नंबर मीन्स इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. राइट, सिंगुलर एंड प्लूरल मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग इन इंग्लिश ग्रामर दैट इज singular, that is considered singular. But when we talk about the things more than one, it becomes plural. Like this is one finger and four fingers. So it means what have we done? It is singular and I have made it plural. So it can be vice versa also. Four fingers, one finger. So vice versa मतलब उल्टा भी हो सकता है. One and many or many and One pen, four pens. It can be six pens. आपको से अगर word में sentences में many pens if it is given. So if you are to make it singular, you will make a pen. So number in grammar ये होता क्या है कि it is a singular and plural when we change it. Okay, एक चीज की बात करते हैं then it is singular. ज्यादा चीजों की बात करते हैं then it is plural. So the term used in English grammar for number is, one is singular, जब हम किसी चीज की एक की बात करते हैं that is singular. When we talk about more than one, then it is plural. Okay. So next is, some examples are there that how do we form plurals? कैसे हम चीजों के plural बनाते हैं, किसी भी word का plural कैसे बनाते हैं? So very simple thing is simply by adding s. Simply by adding s. So, जैसे यहाँ पे example I have given bee, एक मक्खी तो ज्यादा हो जाएंगी, then it is bees. I added s. Window, windows, uncle, uncles, aunt, aunts. So this is how we make plural, simply by adding s. So there are many ways to make plural of anything. Okay. Next it is now. There are some words which end with S letter, with double S letters, with X, SH or CH. तो इनका plural हम कैसे बनाते हैं? Earlier I told you कि simply by adding S, but ये जो words जो S से, double S से, X, SH या CH से खत्म होते हैं, तो उनमें हम बेटा add कर देते हैं ES, not only S, ES. Examples are bus, buses, box, boxes, watch, watches, brush, brushes, dress, dresses. Bhumika Sachdeva, can you tell me one more example? Can you tell me, beta, Bhumika Sachdeva, one more example where we add ES? Yes, yes. Okay. Yes. Okay, I give you a hint. I give you a hint. आप सबकी अभी क्या चल रही है? What is this? Mom class. हाँ, तो क्लास का प्लूरल क्या बनेगा? Mom classes. Very good. ठीक है, और साथ साथ में सोचते जाना, ये तुमने बहुत बार, ये तो आई थिंक आप फर्स्ट क्लास से ये टॉपिक करते आ रहे हो, वन एंड मैन का. ओके, सो रूल्स आर वेरी सिंपल. कुछ रूल्स हैं जो नए हैं आपके लिए, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू वी फाइंड, ये जब F से कुछ वर्ड्स होते हैं जो F से खत्म होते हैं, तो F के लिए बेटा हम सिंपली व्हाट डू वी डू, F को रिमूव करके वी एड द वर्ड्स V E S. F को रिमूव करके हम V E S लगा देते हैं. जैसे एग्जांपल आई हैव गिवन लीफ, L E A F, एक पत्ता, तो जब ज्यादा पत्तों की बात करते हैं इट इज leaves, L E A V E S. Then it is knife, ek chaku, more than one, it is knives, K N I V E S. Thief, ab thief mein bahut gadbadi hoti hai, when you write this word in plural na badi gadbadi kar dete. अब थीफ का बेटे मैंने आपको बोला है एफ को रिमूव करके वीईएस करना है, तो आप क्या करते हो जब आप ये इसका प्लूरल बनाते हो ना, टी एच आई वीईएस,
वो ई गायब हो जाता है, तो ई को गायब नहीं करना, टी एच आई ई, सिर्फ एफ को रिप्लेस करना है वी ई एस के साथ. सो इट इज टी एच आई ई वी ई एस. सो दिस इज हाउ वी मेक प्लूरल. बट सम वर्ड्स आर देयर, कुछ ऐसे होते हैं जो एफ से खत्म होते हैं, बट उनके साथ हम उनको एफ को रिमूव करके वी ई एस यूज नहीं करते, सिंपली वी एड एस विथ इट. एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, इट इज चीफ, चीफ का प्लूरल चीव्स नहीं बनता. अब ये देखो थीफ का भी स्पेलिंग वही है, बट सम सर्टेन वर्ड्स आर देयर जिन पे वो रूल अप्लाई नहीं होता. सो यू आर टू रिमेंबर दोज वर्ड्स. सो इट इज चीफ का प्लूरल है चीफ्स, सी एच आई ई एफ एस, यहाँ एफ को रिमूव करके वी ई एस नहीं लगाएंगे. ड्वार्फ्स, देन ग्रीफ, ग्रीफ का ग्रीफ्स, देन प्रूफ, प्रूफ का भी प्रूफ्स, प्रूव्स नहीं है, वो प्रूफ्स जो होता है ना पी आर ओ वी ई एस, दिस प्रूव्स, वो वर्ब होता है. तो यहाँ पे प्रूफ, गवाह जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमें किसी चीज के लिए जो प्रूफ चाहिए होता है. बेटा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो प्रूफ, प्रूफ्स. सेफ, सेफ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लॉकर होता है घर में, ठीक है. सो सेफ का सेफ्स. देन हूफ, हूफ क्या होता है, घोड़े के पैर जिसको हम बोलते हैं, हूफ का हूफ्स. सो यू आर टू रिमेंबर दीज वर्ड्स बेटा. नेक्स्ट इज, यस, देयर आर सम वर्ड्स जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस भी नहीं यूज करते, आई ई एस भी यूज नहीं करते. उसमें क्या होता है कि उन वर्ड्स में जो वाउल यूज किया जाता है, आपको पता है ना कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर. हाँ जी भार्गवी बताइए, भार्गवी अनम्यूट योर सेल्फ. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट मैम? 26. हाँ जी 26. Yes, very good. It is 26. Bhavneet, वो 26 में से कितने vowels हैं और कितने consonants हैं बेटा? मैंने पहले भी बताया हुआ है. बताइए जल्दी से. Bhavneet, Bhavneet, quickly unmute yourself. Bhavneet, Bhavneet, then five vowels. Okay, five vowels होते हैं और बाकी के जो 21 होते हैं वो consonants होते हैं. अब आपको वाउल और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए, तभी हम ये रूल समझ पाएंगे, ठीक है. अब ये रूल क्या है बेटा, कि जिन वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके वाउल को रिप्लेस कर देते हैं. जैसे यहाँ पे फुट है, एक पैर की बात कर रहे हैं, तो एफ डबल ओ टी, बट जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इट बिकम्स एफ डबल ई टी. हमने क्या किया कि वाउल जो ओ है उसको रिप्लेस कर दिया डबल ई के साथ, ठीक है. ऐसे ही टूथ, टूथ का बन गया टीथ. अब इसकी यूसेज में आप लोग बड़ी गड़बड़ी करते हो, मैम मेरे टीथ में दर्द हो रही है. अब टीथ के मतलब, टीथ का मतलब कि सारे दांतों में दर्द हो रही है? नहीं, दर्द एक में हो रही होती है ना. तो ये ध्यान से बेटा, ग्रामर पढ़ने का फायदा तो तभी है ना कि जब हम, जब उसको डेली यूज करते हैं वर्ड्स को, तो दैट यूसेज शुड बी करेक्ट. ओके, देन मैन. अब मैन में एम ए एन है, ए है ना यहाँ पे जो वॉल, उसको हमने रिप्लेस कर दिया मेन. जैसे वुमेन, वुमेन का भी विमेन. ओके, देन माउस. अब ओ और यू आ गए, दोनों वॉल आ गए, तो इनको हमने ए ई आई ओ यू होते हैं ना वॉल्स, तो ओ यू को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आई के साथ. एंड वर्ड भी यहाँ पे चेंज हो गए, इट इज माइस, इट इज नॉट माउसेस, इट इज माइस, एम आई सी ई. देन गूज, ये अपने चैप्टर में ही पढ़ा है, फ्लाइंग टुगेदर में गूज वर्ड पढ़ा है ना हमने, देखा. तो गूज का प्लूरल इट इज गीज. अब यहाँ पे भी डबल ओ वाउल है, इनको हमने चेंज कर दिया डबल ई के साथ. तो सिंपली बाय चेंजिंग द वाउल्स वी जस्ट चेंज द प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यस, we have some compound, we have some words which end with I, y. अब y को हम क्या करते हैं, जब जो words y से खत्म होते हैं और उनसे पहले अगर एक consonant होता है, consonant, पांच vowels a e i o u और बाकी के जो letters होते हैं वो consonants होते हैं, ठीक है.
ठीक है। अब इसके लिए क्या रूल है कि अगर तो कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है, अगर तो उससे पहले एक वाउल आ गया, जैसे की वर्ड है के ई वाई, ई यहाँ पे वाउल आ गया तो हमने क्या कर दिया, सिंपली वी एडेड एस। टॉय टॉयज, ट्रे ट्रेज, वैली वैलीज, डंकी डंकीज, ओके। तो इसमें सिंपली एस एड कर दिया। द अदर थिंग इज कि अगर जो वर्ड्स वाई से खत्म होते हैं, अगर उनमें वाई से पहले एक वाउल ना होके एक कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को रिमूव करके वी सिंपली एड आई ई एस। ये देखो यहां पर हमने क्या किया है, आई ई एस किया, आर्मी, ए आर एम वाई, वाई से पहले क्या है, एम है, दैट इज कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या कर दिया, वी रिमूव्ड वाई एंड वी यूज्ड आई ई एस। ऐसे ही चेरी चेरीज, ड्यूटी ड्यूटीज, कॉपी कॉपीज। हाँ जी अथर्व शर्मा, अथर्व शर्मा बेटा गिव मी वन एग्जांपल जहां पे हम वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाएंगे। हाँ जी अथर्व शर्मा, क्विकली क्विकली बेटे, अथर्व शर्मा क्विकली गिव मी रिस्पॉन्स बेटे। ओके नॉट इंटरेस्टेड, जल्दी से बेटे जल्दी से आंसर कीजिए। ओके गुरलीन कौर, गुरलीन कौर, गुरलीन कौर विल टेल मी बेटे। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटे, जल्दी से बताइए एक ऐसा वर्ड जिसका प्लूरल हम जब बनाते हैं वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देते हैं, जल्दी से। मैम बेबीज, बेबी, ओके बेबी का प्लूरल क्या बनेगा, बेबीज। स्पेलिंग B A B I E S. Very good. Mute yourself. Very good. Mute yourself. Okay. Next, मुझे बताएगा हितेशी, हितेशी, give one example जहां पे Y से पहले कोई vowel आता हो and we make its plural by simply adding S. हाँ जी. Yes, yes, yes. हाँ जी. सोचो, सोचो, सोचो. यहाँ पे वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है क्विकली। मैम चीकी, मैम चीकी, मैम चीकीज, कीकीज, दैट आई हैव रिटन, दैट आई हैव रिटन, यू आर टू टेल मी सम अदर वर्ड। मैम यस यस, ओके ओके, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, ओके। हाँ जी भुविया विल टेल मी, भुविया बताइए। मैम क्या नाम है, मैम मुझे याद आ गया। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, बाद में आपसे कुछ पूछ लूंगी। चलिए भुविया बताइए जल्दी से। मैम डंकी डंकीज, दैट इज आल्सो रिटन देयर, टेल मी सम अदर वर्ड। टेल मी सम अदर वर्ड, पोनी, पोनीज, पोनी, देन इफ वी, बेटा दैट इज आल्सो रिटन, बट वो तो हम वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देंगे। मैंने ऐसा वर्ड बोला है जो वाई से पहले कोई वाउल आता हो और हम उसमें सिर्फ एस ही ऐड करेंगे ना, वो एग्जांपल चाहिए। ओके आई आस्क यू वन थिंग, आई आस्क यू, ओके म्यूट एवरीबॉडी, म्यूट योरसेल्फ, एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। ओके माय क्वेश्चन इज, स्टोरी वर्ड है, स्टोरी का प्लूरल बताइए। हाँ जी स्टोरी का प्लूरल मुझे, किरणदीप स्टोरी का प्लूरल क्या होगा, किरणदीप स्टोरी का प्लूरल जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटे, जल्दी से स्टोरी का प्लूरल बताइए। स्टोरीज, स्पेलिंग, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग जल्दी जल्दी। S T O R I E S, ओके वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ, स्टोरी S T O R I E S। एक और स्टोरी होता है, एक और स्टोरी होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट दैट, एक और जो स्टोरी होता है। हाँ जी जसनूर बताइए आप। हाँ जी जसनूर बताइए। मैम आई डोंट नो, देन व्हाई डिड यू रेज योर हैंड बेटा इफ यू डोंट नो। ओके लोअर योर हैंड बेटा, ओके लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड, ओके। हाँ जी मनोबल, मनोबल बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटे बताइए जल्दी से। मैम एस टी ओ आर वाई, वो तो हो गया एस टी ओ आर वाई। एक और स्टोरी होता है वो पता किसी को, एक और जो स्टोरी होता है दैट इज एस टी ओ आर ई वाई, एस टी ओ आर ई वाई।
वो स्टोरी का मतलब क्या होता है, वो स्टोरी का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, तो उसका प्लूरल बेटा जब हम बनाएंगे ना एंजल, व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ दैट वर्ड एस टी ओ आर ई वाई एंजल क्विकली एस टी ओ आर ई वाई एस यस वो स्टोरी का बेटा प्लूरल बनेगा स्टोरीज, तभी मैंने अब स्टोरी वर्ड बोलते दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट है पर प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम, ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल स्टोरी एस टी ओ आर ई वाई एस ओके बच्चे। हाँ जी अब हम बेटा जो नेक्स्ट करेंगे दैट इज यस, अब जो वर्ड्स ओ से खत्म होते हैं उनमें हम क्या करते हैं वी सिंपली एड ई एस, जैसे एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन मैंगो का मैंगोस, बफलो का बुफेलो नहीं होता ये इसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, बफलो का बफलोस, मॉस्किटो मॉस्किटोज एम ओ एस क्यू मॉस्को, अब क्यू होता है ये प्रोनाउंसिएशन क्यू नहीं होती, ठीक है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इट इज मॉस्किटोज एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ ई एस, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें हम क्या ऐड कर देते हैं लास्ट पे ई एस टू मेक देयर प्लूरल। अच्छा अब कुछ वर्ड्स बेटा ऐसे होते हैं जो ओ से खत्म होते हैं, सी दीज आर द वर्ड्स दैट यू आर टू लर्न, अदरवाइज हम ही बोल रहे हैं कि वर्ड ओ से खत्म होता है तो ई एस होता है, बट सर्टन वर्ड्स आर देयर जो ओ से खत्म होते हैं बट उनमें ई एस नहीं सिंपली एस यूज होता है, जैसे पियानो, पियानो में ई एस नहीं होता पियानोज होता है, फोटो वर्ड है तो फोटो में भी हम ई एस नहीं यूज करते इट इज फोटोज, किलो किलो के आई एल ओ पांच किलो बोलते हैं ना तो फाइव किलोज तो उसमें भी ई एस एड नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज कि जो डबल ओ से होते हैं उनमें भी हम सिर्फ एस ही यूज करते हैं, यू ऑल नो दीज रूल्स अर्लियर ऑल्सो ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज उसके बाद बेटा कुछ जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सॉरी यस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सिंगुलर टू प्लूरल में जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम रहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम रहते हैं, जैसे शीप वर्ड है, अब शीप का प्लूरल भी शीप होता है, तो जब ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिया जाएगा then you are to make it very particular, you have to be very particular कि उसको आप वहां पे changes इस हिसाब से करो so that the things are clear कि यहाँ पे आप एक sheep की बात कर रहे हो या ज्यादा sheep, if a sheep is there तो आप उसको the sheep बना दो, right? Similarly deer word, deer का plural भी deer होता है, hare का plural भी hare, and fish का जो plural है वो fish भी हो सकता है और fishes भी, जब sorry जब हम एक ही तरह के बेटा फिश की बात करते हैं ना तो तब हम फिश यूज करते हैं, बट जब सी में वैरायटी ऑफ फिशेज आर ओके तो जब हम मोर देन वन जब एक से ज्यादा तरह की फिश की बात करते हैं तब हम फिशेज यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑक्स है, अच्छा फॉक्स का प्लूरल इधर, फॉक्स का प्लूरल क्या होता है इधर, फॉक्स का प्लूरल क्या होता है बेटा एधा जल्दी से बताइए, फॉक्स का हाँ फॉक्सेस, यस फॉक्स का प्लूरल होता है फॉक्सेस, बट यहाँ पे ए ऑक्स है, ऑक्स का बेटा ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, सो बी वेरी पर्टिकुलर ऑक्सन, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं, सिंपली एस नहीं एड कर देना, it is child का plural is children, okay, so this is how you are to make plural of these words. Next thing जो है that is compound words. Compound words क्या होते हैं कि कुछ ऐसे words होते हैं जिनमें more than one words add होते हैं, जैसे son in law, अब son in law ये क्या है son इन लॉ, तीन वर्ड्स अलग अलग आ गए ना इसमें तो ये कंपाउंड बन गया, अब इसका प्लूरल सन इन लॉज नहीं कर देना, ये नहीं कि लास्ट पे जो आ रहा है उसमें एस कर देना, नो इट्स प्लूरल इज सन्स इन लॉ, देन मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का प्लूरल बन जाएगा मेड सर्वेंट्स,
पासर बाय, पासर बायज नहीं, दैट विल बी पासर्स बाय. स्टेप मदर का स्टेप्स मदर नहीं, स्टेप मदर्स. स्टेप सन स्टेप सन्स. वॉशरमैन वॉशर मैन. अब यहाँ पे गड़बड़ी आप क्या कर देते हो कि आपको नाउन चेंज कर सॉरी नंबर चेंज करने के लिए बोला जाता है तो आप चेंज कर देते हो जेंडर. तो ये बेटा गलती नहीं करनी, ठीक है, नंबर चेंज करना है. ओके, मैन सर्वेंट का क्या होगा प्लूरल? मैन सर्वेंट का सृष्टि बताइए, मैन सर्वेंट का प्लूरल बेटा सृष्टि जल्दी से बताइए, मैन सर्वेंट का प्लूरल बेटे जल्दी. मैन सर्वेंट. हाँ मैन सर्वेंट. मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट बेटा बताइए जल्दी. नो इट इज मेन सर्वेंट्स, ये भी नोट करना है. मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स हो गया, तो मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स, उसमें मैन का प्लूरल भी बन जाएगा और सर्वेंट का प्लूरल भी बनेगा. सो इट इज मेन सर्वेंट्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर टू मेक प्लूरल. हाँ जी बेटे, अब जब हमने सिंगुलर प्लूरल की बात कर रही है तो इट डजंट मीन कि एक सेंटेंस में आपको कुछ दिया गया है तो आप सिर्फ नाउन का ही चेंज करो. नो, व्हेन यू आर गिवन इंस्ट्रक्शन चेंज द नंबर, तो उस सेंटेंस में प्रोनाउन जो आएंगे तो प्रोनाउन का भी नंबर चेंज करना है, तभी वो सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा. ओके, सो प्रोनाउन की अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट पर्सन है आए, तो आई का प्लूरल बन जाएगा वी, मैं का हम, मी, मी का बन जाएगा अस, माय का बन जाएगा आर, ओ यू आर. देन यू, यू सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है. ओके, अब मैं एक बच्चे से बात करती हूं तो यू विल टेल मी. ओके, कि वो बच्चा जब मैं बेटा यस यू विल टेल मी, बट व्हेन आई से यू विल टेल मी मींस आई एम टॉकिंग टू द होल Children who are sitting in this class. तो you singular भी होता है और plural भी होता है. Then he, she, it. किसी sentence में he, she, it अगर use किए गए हैं तो आपने उसका plural जब बनाना है then it will be they. Him का बन जाएगा them. Him और her का दोनों का them बन जाएगा. If it is I like her, तो ये क्या बन जाएगा? आई लाइक एधा, एधा फीलिंग स्लीपी बेटा. आई लाइक हर का क्या बनेगा प्लूरल? दैट विल बी वी लाइक. मैम योर वॉइस बेटे म्यूट योरसेल्फ. वी लाइक देम. ऐसे ही प्रोनाउंस में हिज और हर्स. दिस पेन इज हिज, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? These pens are theirs. तो his और hers का plural बन जाएगा बेटा theirs. ये चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब हम sentences solve करेंगे. So अभी I am coming towards the sentences. अब बेटे जब आपने, मैंने आपको पहले भी बोला, जब sentence की form में आपको दिया जाएगा तब आपने verb का भी ध्यान देना है. Accordingly verb को भी हमने नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से, इफ इट इज सिंगुलर और प्लूरल तो अकॉर्डिंगली यूज करना है. जैसे हैज का बन जाता है प्लूरल में हैव, डज का डू, इज का आर, वाज का वर. ओके, नाउ ही हैज अ पपी एंड अ कैट एट हिज होम. अब देखो ही यहाँ पे प्रोनाउन है तो ही का बन जाएगा दे. उसके बाद हैज का बन जाएगा हैव. अ पपी को हमने कर देना पपीज, ठीक है. अब ये गलती नहीं करनी कि पपी का पपीज बना दिया पर अ को लिख दिया. अ तो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है ना, ये गलती करते हो आप. अ पपीज, नो दैट इज रॉन्ग, ठीक है. तो दे हैव पपीज एंड अ कैट की जगह आ गया कैट्स एट हिज. अब हिज यहाँ पे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव. तो पोजेसिव एडजेक्टिव हिज है, हिज का प्लूरल बन जाएगा देयर, टी एच ई आई आर, देयर, और उसके बाद में होम का होम्स. सो दिस इज हाउ द सेंटेंस विल बी, दे हैव पपीज एंड कैट्स एट देयर होम्स. ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड डज हिज वर्क एट स्कूल.
चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन. अब डज, अब यहाँ पे चिल्ड्रन है, सिंपल प्रेजेंट है. इसका रूल है ना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा, प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं आएगा. तो चिल्ड्रन के साथ अब डज है तो उसका जब प्लूरल हम, जब चिल्ड्रन हो गया तो हम यूज करेंगे डू. हिज अगेन पोजेसिव एडजेक्टिव तो आंसर विल बी देयर. वर्क एट स्कूल्स, स्टेप बाय स्टेप एक एक को चेंज करते जाना है. वर्ब का भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कोई प्रोनाउन ना छूटे, ये भी ध्यान रखना है कोई पोजेसिव एडजेक्टिव ना छूटे. सो द चिल्ड्रन डू देयर वर्क एट स्कूल्स. देन द थीफ इज हाइडिंग इन द वैली, द थीव्स आर हाइडिंग इन द वैलीज. एंड द फोर्थ सेंटेंस इज द वॉशरमैन वॉज कटिंग अ ट्री, द वॉशरमैन वर कटिंग ट्रीज. अ ट्री नहीं आएगा, ट्रीज आएगा. ओके अब बेटा लास्ट, अब ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पे हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम होते हैं. जैसे द थीफ किल्ड अ डियर एंड विद हिज नाइफ. अब द थीव्स, थीफ का प्लूरल हो जाएगा थीव्स. किल्ड और डियर की जगह, अब डियर सिंगुलर भी वही है प्लूरल भी वही है, तो उसको ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लगा दिया द डियर. द थीव्स किल्ड द डियर विद देयर नाइव्स. सो दिस इज हाउ यू आर टू चेंज दीज सेंटेंसेस. ओके अगला है दिस शीप हैज नो हेयर ऑन इट. अब दिस जो है इट इज, अगर आपको रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर दिस है, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो दिस का क्या बन जाएगा, इट विल बी दीज. दीज शीप हैव नो हेयर ऑन इट का आ जाएगा टेम. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ बेटा यू आर टू चेंज ऑल दीज सेंटेंसेज इन टू प्लूरल. ओके सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू.